अभी तक आप लोगों ने जो सेशन सुना डॉक्टर बारान को सुना वो आपको पसंद आया होगा, तो उसी कड़ी में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लिप्पे अवार्ड होता है, एक एग्जाम होता है सॉल्व द केस होम्योपैथिक कॉन्टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल का एक एग्जाम होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा इस पीपीटी के जरिए। तो ये जो लिप्पे अवार्ड कॉन्टेस्ट होता है इसमें एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ये अभी जो होने वाला एग्जाम है ये 2020 में 9th ऑफ फरवरी संडे को होने वाला है, ये ईयरली कॉन्टेस्ट है आप देख रहे होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन फी जो है ये 300 रुपीज होता है ओनली, आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं इसमें जाके। मेनली मुझे ये बताना है आपको कि ये जो लिप्पे अवार्ड है ये एक बांबरा आरोग्य ट्रस्ट है जो कि गुड़गांव बेस्ड है, ये बांबरा आरोग्य ट्रस्ट 2002 से होम्योपैथी साइंस को सर्व कर रहा है और अभी तक 45,000 पेशेंट्स को सक्सेसफुली ट्रीट कर चुका है और एक ये तरह का मेरे को ये चैरिटी क्लिनिक्स हैं इनके काफी सारे, उसमें ये 45,000 पेशेंट को ट्रीट कर चुके हैं अभी तक। मैं आपको बताना चाहूंगा इसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर बी एस चौहान, ही इज अ एक्स डिफेंस ऑफिसर और होम्योपैथ बाय चॉइस, इनके बारे में क्या कहूं मैं, ये बहुत ही काइंड बहुत जेंटल पर्सनालिटी है, इन्होंने डिफेंस ऑफिसर का पोस्ट रिटायरमेंट के बाद होम्योपैथी को अडॉप्ट किया और फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स ही सर्विंग होम्योपैथी बाय हार्ट, वो क्लासिकल होम्योपैथ हैं और 83-84 की एज में आज भी अराउंड 120-130 की ओपीडी डेली देखते हैं और साथ में उनके काफी सारे क्लिनिक्स हैं, तो गुड़गांव के आसपास जितने क्लिनिक्स हैं अराउंड 3 or 4 क्लिनिक्स, वो वीक में 2 या 3 बार वहां पर जाके पेशेंट्स को सर्विसेज देते हैं। सो क्लिनिक के साथ साथ इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स और भी चल रहे हैं, जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, कुछ स्टडी प्रोग्राम्स ये डॉक्टर्स के लिए वहां के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके लिए करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज है ये सॉल्व द केस कॉन्टेस्ट जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, लिप्पे अवार्ड हर साल करते हैं। ये जो लिप्पे अवार्ड था लास्ट 6 ईयर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें अपीयर करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ 35 ईयर की एज क्राइटेरिया है, 35 से कम एज के सारे लोग इसमें अपीयर कर सकते हैं। कोई भी होम्योपैथ जो होम्योपैथी को पसंद करता है, शौक से होम्योपैथी पढ़ता है, वो भी इस एग्जाम में अपीयर कर सकता है। इसका जो फॉर्मेट होता है एग्जाम का, जैसे हम सिंपली ग्रेजुएशन में हम पेपर देते हैं 3 आवर्स का, वैसा ही एक एग्जाम पेपर होता है जो 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है, 2 पार्ट में दिया जाता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो एमएम से रिलेटेड होता है, उसमें क्वेश्चंस आपको एमएम से रिलेटेड होते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है उसमें 2 केसेस पूछे जाते हैं, दैट इज वन इज एक्यूट केस एंड वन इज क्रॉनिक केस। तो ये जो केसेस होते हैं ये सॉल्व केसेस होते हैं स्टॉलवर्ड्स के, जो भी पुराने हमारे स्टॉलवर्ड्स थे उनके सॉल्व केसेस को इसमें पूछा जाता है, सो दैट इनका जो मोटो बेसिकली है कि हमारे स्टूडेंट्स पुराने स्टॉलवर्ड्स को पढ़े, लिप्पे कैंट ऐसे जितने स्टॉलवर्ड्स थे उनको पढ़े, तो सॉल्व केसेस हैं आपको सिंपली। सबसे अच्छी चीज जो है इसमें हमको चीटिंग करने के लिए भी 2 बुक्स अवेलेबल कराई जाती है, तो इन शॉर्ट जस्ट जोकिंग इसमें आप अपने साथ साथ केस को सॉल्व करने के लिए एक मटेरिया मेडिका अपनी चॉइस की और एक रेपर्टरी अपनी चॉइस की लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हम लोगों के लिए कि हम इजीली इस केस को सॉल्व कर सके। और सबसे अच्छी चीज, सिर्फ एग्जाम देने से मार्क्स आएंगे ऐसा सिर्फ नहीं है, आपको यहाँ पे एग्जाम देने के बाद जो भी पर्सन इसमें फर्स्ट प्राइज विनर होता है उसको 1 लाख रुपीज का प्राइज मनी दिया जाता है, उसके साथ बहुत ही सुंदर सा एक मोमेंटो दिया जाता है सर्टिफिकेट के साथ। बेसिकली जो एम है इस एग्जाम को कंडक्ट करने के पीछे वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथ्स को एनकरेज करने के लिए टू स्टडी ओल्ड लिटरेचर्स ऑफ स्टॉलवर्ड्स लाइक लिप्पे कैंट बर्नेट एंडरसन मर्फी एंड मेनी मोर, तो उससे
हम जो सिलेबस के बाहर की चीजें हैं, हमारे जो पुराने स्टॉलवर्ड्स के केसेस हैं, उनको गो थ्रू करें स्टूडेंट्स और उनके थ्रू अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर पाए, उनके पास और भी सारे टूल्स आ जाएं जिससे वो अंडरस्टैंडिंग कर पाए होम्योपैथी को लेकर. सो दिस इज द बेसिक मोटो ऑफ दिस एग्जाम. प्राइजेस की जो मैं बात कर रहा था, मैंने आपको पहले प्राइस के बारे में बताया, दैट इज 1 lakh rupees ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट. उसके साथ साथ बहुत सारे और भी प्राइजेस हैं. इसके बाद सेकंड जो है वो 2 मेरिट प्राइजेस हैं. ईच स्टूडेंट गेट 25,000 ऑफ रुपीज विथ अ सर्टिफिकेट. फिर एग्जामिनेशन सेंटर प्राइस है जिसमें 15,000 rupees. कोई भी एग्जाम सेंटर है, सपोज इंदौर का एग्जाम सेंटर है, यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट उसमें एग्जाम देंगे उनमें से जिस भी पर्सन को हाईएस्ट मार्क मिलते हैं वो एग्जाम सेंटर प्राइज विनर होता है. राइट. लास्ट टाइम हमारे पास 10 एग्जाम सेंटर्स थे ऑल ओवर द नेशन. उसके बाद आता है कॉलेज शील्ड प्राइज. जो भी कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करता है उस कॉलेज को 10,000 rupees का एक प्राइज मनी दिया जाता है विथ, और उसके साथ साथ मेमोरियल प्राइजेस भी है. मतलब बहुत सारे प्राइजेस स्टूडेंट के लिए इसलिए रखे गए हैं कि वो एनकरेज हो टू डू दिस एग्जाम. थोड़ा हिस्ट्री में बता दूं इसके बारे में कि अभी तक 6 सालों में 2014 से हम लोग ये एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और अभी तक 3,008 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है. 63 होम्योपैथ्स अभी तक इस एग्जाम में विनर्स रहे हैं. टोटल प्राइज मनी जो है वो 16,30,000 के प्राइजेस अभी तक हम लोग 6 सालों में दे चुके हैं, जो कि इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतना बड़ा प्राइज मनी होम्योपैथी एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स को दे रहा है. सो इट इज अ मोटिवेटर मोटिवेशन पर्पस. तो मैं अभी यहाँ पे जितने हमारे सीनियर्स बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, तो मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, उनको एनकरेज करें टू डू दिस एग्जाम और स्प्रेड करें अपने स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में. और रजिस्टर कर सकते हैं आप चाहे तो मुझे इसमें रजिस्टर ऑफलाइन रजिस्टर करने के लिए मुझे इसमें बता सकते हैं. ये ब्रोशर आप देख रहे हैं जो लिप्पे अवार्ड 2020 का है, ये आपके जो भी किट आपको यहाँ से मिली है उस किट में आपको ये ब्रोशर मिलेगा. इसमें सारी डिटेल्स हैं, अभी तक के जितने प्राइज विनर्स हैं उनके डिटेल्स हैं और ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करना है. आपके पास यहाँ पे सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है और ज्यादा इसकी डिटेल्स हैं. ये आप हमारी वेबसाइट है इस पे जाके देख सकते हैं. वहां पे आपको प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 6 ईयर के सॉल्व पेपर आपको वहां पे मिलेंगे. आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा और उसके साथ साथ बाकी सारी डिटेल्स भी वहां पे अवेलेबल है.